हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदिमी। स्वागत है आपका वेदिमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता होगा, सीएसआर नेट के फॉर्म आ चुके हैं और आप में से कई लोग ने उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी कुछ क्वेरीज आ रही हैं, जैसा कि वेबसाइट कौन सी है, लाइक कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए। उसमें से सबसे बड़ी क्वेरी है कि रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट क्या है, आखिर ये रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट क्या है। तो इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट के बारे में। उससे पहले मैं बता दूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बार वेबसाइट चेंज हुआ है। अभी तक जो फॉर्म फिल होता था वो फॉर्म फिल होता था csirnet.nta.nic.in पे। तो इससे पहले फॉर्म जो फिल होता था csirnet.nta.nic.in पे, लेकिन अब NIC हट के AC हो गए जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल करते हुए, कई बच्चे फॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फॉर्म का लिंक है csirnet.nta.ac.in, NIC इस बार नहीं है। और जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे आप तो ऐसा कुछ वेबसाइट हो जाए, ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना है। अब आते हैं वीडियो के मोटिव पे कि रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट क्या है। तो रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, कि आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। पहली कैटेगरी तो ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये होगी कि लाइक आप बीटेक बी फार्मा, जो भी फोर ईयर के कोर्सेस हैं, बीटेक बी फार्मा के फोर ईयर के कोर्सेस के आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं, कि आप अभी अपने फाइनल एग्जाम में अपेयर नहीं हुए हैं, या फिर MSc के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है। बीटेक थर्ड फोर्थ ईयर में है, बीटेक बी फार्मा जो भी आपका फोर्थ ईयर कोर्सेस है उसके थर्ड या फोर्थ ईयर में है, या फिर MSc के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट रुका हुआ है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनका एग्जाम तो हो गया, रिजल्ट नहीं आया है। कुछ ऐसे कैटेगरी हो सकते हैं रिजल्ट आ गया लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया। तो ऐसे सारी कैटेगरीज जिनका अभी जो कि बीटेक MSc परस्यू कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम नहीं आया हुआ है, फाइनल एग्जाम हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं हुआ है फाइनल ईयर का, या फिर फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है, प्रोविजनल डिग्री नहीं आई है, या फिर आप बीटेक MSc परस्यू कर रहे हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बीटेक में है, या फिर MSc के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपके लिए रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट आप यहाँ इन्फॉर्मेशन पे जाके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये रिकमेंडेशन होता है कि रिजल्ट किसी फॉर्म का बुलेटिन या ब्राउज़र हमेशा पढ़ा करिए, क्योंकि आपके सही क्वेश्चन के जवाब जो है उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाते हैं। आप जैसे आप खोलेंगे आपके पास रिजल्ट अवेटेड फॉर्म जो है आपके ब्राउज़र के पेज नंबर 54 पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट है आपका ब्राउज़र के पेज नंबर 54 पे आ जाएगा। अब उस सिर्फ उस पेज को आपको प्रिंट कराना, पूरा ब्राउज़र प्रिंट नहीं कराना, पेज 54 प्रिंट करा के अगर आपको आपके यहाँ पे नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, उसके बाद MSc, अगर आप MSc कर रहे हैं तो MSc की डिग्री लाइक जूलॉजी बॉटनी जिसमें भी आप MSc कर रहे हैं, देन इनरोल डेट, MSc किस डेट में इनरोल हुए हैं। अगर MSc की जगह बीटेक या बी फार्मा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना डिग्री का नाम और किस दिन से बीटेक में आपने इनरोल किया है, देन उसके बाद आप किस ईयर या सेमेस्टर में हैं, लाइक अगर आप फोर्थ ईयर सेवन्थ सेमेस्टर में, देन उस सेमेस्टर का स्टार्टिंग डेट, उस सेमेस्टर में आप कब से इनरोल हुए हैं। सो ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करके इसमें देख सकते हैं आप डिग्री मेंशन के BS फोर ईयर प्रोग्राम, बीटेक बी फार्मा MBBS या इंटीग्रेट BSMS, ये फॉर्म आपको फिल करके आपके डिपार्टमेंट के जो भी HOD हैं, जो भी डीन हैं, या फिर जो भी आपका हायर अथॉरिटी है उससे साइन कराना है, उनका नाम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट का सील फिल करना है, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी कौन सी है। मैं एक बार फिर बता दूं, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में सबसे पहले जो करंटली बीटेक बी फार्मा MSc परस्यू कर रहे हैं, बीटेक के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है और MSc के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट, आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका है लेकिन मार्कशीट्स नहीं आई हैं, या फिर प्रोविजनल डिग्री नहीं आई। तो ये दो मेन कैटेगरी है जिनको रिजल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप MSc बीटेक परस्यू कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये फॉर्म फिल करने से पहले इस
पेज का प्रिंट आउट लीजिएगा, अपनी डिटेल्स भरिएगा और एचओडी या अपने डीन या जो भी आपका हायर अथॉरिटी है उससे साइन कराना है, उसका नाम और सील लगा के इसकी फोटो खींच के इसको स्कैन कर लीजिएगा, देन इसके सॉफ्ट कॉपी बना के अपलोड करना है। ठीक है, होप कि आपको रिजल्ट ऑडिटेड सर्टिफिकेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। सो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।